नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआईबी न्यूज़। वडोदरा शहर में बीसीसीआई और अन्य 14 औद्योगिक एकमों के सहयोग से आज वर्ल्ड एमएसएमई दिन को मनाने का कार्यक्रम एक निजी होटल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल की विशेष तौर पर मौजूदगी दर्ज की गई। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर मेयर के यू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, प्रदेश भाजपा महामंत्री भार्गव भाई भट्ट, सांसद रंजन बेन भट्ट, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत के अन्य कई अग्रणी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के तहत औद्योगिक एकमों की ओर से सरकार को ये गारंटी पत्र मुहैया करवाया गया है कि आने वाले वक्त में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। ऐसे में इस कार्यक्रम के तहत उपस्थित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल की ओर से भी अग्निवीरों की भर्ती को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। तो आइए सुनते हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने क्या कहा। बीसीसीआई साथ 14 जेटला बीजा मोटा मोटा एसोसिएशनों आज जोड़ाई ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आ योजना ने सपोर्ट करीने जे पण युवानो आमां जोड़ाशे अने त्यांथी पाछा आवशे त्यारे एमने नौकरी माटेनी तको 10% एनाथी पण वधु એ પોતાના બિઝનેસમાં રિઝર્વેશન આપવા માટે એમણે એક પત્ર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને લખ્યો છે અને પત્ર એ મને આજે આપવાના છે। એના માટેનો આ એક કાર્યક્રમ છે, આ એક ખૂબ સરસ યોજના છે। આ વાત આજે ધીમે ધીમે બધા સમજ થયા છે। 3000 જગ્યા માટે લગભગ 30,000થી વધારે અરજીઓ હમણાં સુધી આવી ગઈ છે। એ જ બતાવે છે કે યુવાનો હવે એમાં खूब रस लेने आगे बढ़ रहे हैं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।